फ्रेंड्स, मैं आज आपको लेके आया हूँ टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन पे। टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन नई दिल्ली में, टैगोर गार्डन मेट्रो स्टेशन के पास रावण, जो अभी दशहरे का त्यौहार आ रहा है, रावण बनाए जाते हैं, यहाँ पे रावण बनते हैं। ये देखिए, ये पहले इस तरीके से रावण एक बांस का तैयार किया जाता है। ये बांस है, बांस का ये रावण तैयार किया जाता है, इसका ढांचा तैयार किया जाता है। फिर उसके बाद इसको इस तरीके से ये रावण का एक चेहरा तैयार होता है। दिखने में बहुत आसान लगता है लेकिन बनाना उतना ही मुश्किल है। ये देखिए, लाइन से यहाँ पे रावण बन रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पे एक इसका एक फाइनल एक तरीके से रावण रेडी होते हुए ये इसको पेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। ये देखिए, रावण तैयार कर रहे हैं। ये इधर भी देखिए, ये भी रावण तैयार हो रहा है यहाँ पे। यहाँ पे भी रावण तैयार हो रहा है। अब मैं आप देखिए, सारे लाइन से यहाँ पे रावण है। ये रावण का भी मुकुट है, ये मुकुट रखा हुआ है, या मुकुट लगेगा अभी रावण के। आपको मैं एक फिनिशिंग वाला रावण दिखाता हूँ। ये देखिए, ये सारे रावण हैं। यहाँ पे भी रावण तैयार हो रहे हैं। भाई कितने तक का होता है रावण, कितने तक का रेडी होता है ये? 20-22 हजार। ये रावण तैयार होने के बाद 20-22 हजार रुपए तक का रेडी होता है। ये जो बिकता है, ये 20-22 हजार रुपए में बिकता है रावण। भाई कितने फुट का होता है ये? 50 फुट का। ये 50 फुट का रावण होता है, 20-22 हजार रुपए इसकी कीमत आती है। ये देखिए, महेंद्र एंड सुभाष, मशहूर रावण वाले। अनिल कपूर, जूही चावला, सबके साथ इनका फोटोग्राफ है। ये इनका ऑफिस है मेट्रो स्टेशन के नीचे। ये देखिए तैयार रावण, देखिए ये देखिए रावण तैयार है। 20-22 हजार का होता है रावण, 50 फुट ऊंचा रावण होता है, 50 फुट लंबा रावण होता है। आप यहाँ पे जहां भी देखेंगे आपको हर जगह रावण ही रावण दिखाई देंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज आप मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जो भी मेरे लिए न्यू है मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। रावण सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था लेकिन अपनी एक गलती की वजह से वो उसके साथ ये हास्य हुआ, जबकि अगर देखा जाए तो सबसे बुद्धिमान था रावण। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। ओके, थैंक यू सो मच।